हेलो एंड वेलकम गाइस, आज मैं लेके आया हूँ मॉन्स्टर हंटर फाइट का वीडियो। क्योंकि आज सबको पता है कि आज कौन सा दिन है, आज है मंडे। तो आज आने वाला है हमारा न्यू इवेंट। चलो चेकआउट कर लेते हैं कि आज इवेंट में क्या आया है। बोनस इवेंट, पॉपुलर इवेंट, अच्छा टॉपअप। अच्छा टॉपअप तो रोज सब लोग जानते ही होगा, फेस्टिवल इवेंट, फेस्टिवल एक्सचेंज में वही विप्स एक्सचेंज। इस बार 100 विप्स एक्सचेंज का वाउचर आया है, चलो अच्छा है। जिस पिछली बार 50 आया था, और सभी लोग उस फ्यूचर वाउचर ले लेना। देख सकते हैं हम कितना ले सकते हैं। अरे यार एक परचेस कर लिया, चलो हमें और भी चाहिए। कल मैंने सारा सारा पूरा ख़त्म कर दिया 50 में। अरे फिर से कन्फर्म हो गया, रिडीम प्लस प्लस में नहीं प्रेस कर रहा। अच्छा और नहीं होगा, 4 5 6, चलो अच्छे ले लिया। चलो पोकेमॉन, पोकेमॉन शॉप। अरे पोकेमॉन शॉप है तो, अरे गाइस ये तो वही पोकेमॉन है जो 4 दिन पहले जो अपडेट आया था ना, जो उसमें आया था, तो वो आ गया है। फाइनली आ गया है 120, सिर्फ 120 रिफिल टिकट में ये मिल रहा है। रीडिंग में वाटर एंड फाइटिंग टाइप, और इसका कॉन्वर्सेशन स्टोन भी आ गया है। कॉन्वर्सेशन स्टोन है, इवॉल्वेशन स्टोन भी आ गया है। और इसका, अरे भाई इसका स्पेशल गियर भी आ चुका है, इसका स्पेशल, हाँ एक्सक्लूसिव अटैक भी आ चुका है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मूव है, और सिर्फ 50 विप्स वाउचर में मिल रहा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसे ले लो। और दरअसल दूसरा देखते हैं, मून फ्लास 20 times, अच्छा 3 times, अच्छा ये वो वाला अटैक है। अच्छा इस ये बहुत ही पावरफुल अटैक है, बहुत ही 20 power इसका दिखा रहा है। लेकिन ये अटैक जो आप 3 times दिख रहा है ना, ये 5 times होगा। 3 times नहीं होगा, 4 से 5 times या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम्स होगा ये वाला अटैक। ये भी सिर्फ 50 वाउचर में, ये भी ले लो। उस पोकेमॉन का बहुत ही सही है ये वाला अटैक। और लास्ट वाला सैरो चॉप, अरे फाइटिंग टाइप अटैक है। अच्छा 20% होता है। अच्छा ये इस अटैक का काम है कि हमारे ये पोकेमॉन जो मेन सैडो ग्रेनिंजा है, ये तो मतलब वाटर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन दोनों ही है, इसलिए इसका 20% डैमेज इस फाइटिंग टाइप का 20% और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि किसी पास वाटर और फाइटिंग दोनों एबिलिटी है, अटैक फाइटिंग टाइप है, लेकिन हमारे ग्रेनिंजा के पास वाटर टाइप के एबिलिटी रहने के लिए इसका अटैक 20% बढ़ जाएगा। मतलब वो 100 है, 120 हो जाएगा अटैक। ले लो, और चलो ये क्या है, 4B2। अच्छा 4B2 फिर से आ गया है 60 वाउचर में। और ये तो सभी लोग जानते ही होंगे इसका काम क्या है। कोई भी 4 उसका टाइप मैक्स, कोई अटैक हो, स्पेशल अटैक हो, स्पीड या डिफिशल डिफेंस, कोई भी 4 वो मैक्स हो जाएगा 4B2 पूरा मैक्स। और लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वो इंडियन जो स्विच का जो पूरा बेकार है, कोई काम नहीं है इसका। और हाँ गाइस, इस पोकेमॉन का ले लो, ये पूरा बीस्ट है, ये सबसे पावरफुल पोकेमॉन मुझे तो लगता है सबसे पावरफुल गेम में आ चुका है। और इसको मैं वो हाई रिकमेंड करूँगा, इसको ले लो। मैं भी इसको लेने की कोशिश करूँगा, अगर ले लिया तो वीडियो भी बना दूँगा। वाटर एंड फाइटिंग टाइप सिर्फ 120 जगह मिल रहा है, ले लो सभी लोग। चलो दूसरा चेकआउट कर लेते हैं, सिंगल टॉपअप तो चलो ये तो सब पैसा खर्च करने के लिए है। सिंगल 300 diamonds, 60 diamonds, अच्छा 60 diamonds में बहुत ये अच्छा ऑफर है। पहला वाला आप लोग ले सकते हो, सिर्फ 60 diamonds परचेस करने पे 5 refillable tickets मिल रहा है, ये वाला ले सकते हो। और बाकी जो है वो सारे बेकार है, 600 diamond वाला बेकार, सभी सब कुछ बेकार है। और इसको छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो, अगर पहला ले सकते हो तो ले लो। और ये क्या है, स्पेंडिंग 500, अच्छा ये स्पेंडिंग डायमंड से ये सब मिलेगा, ये भी बेकार इवेंट है। लकी, अच्छा स्पिन आया हुआ है, स्पिन तो बेकार से स्पिन आता है हर बार। हाँ लेकिन पोकेमॉन अच्छा है, स्टील फेयरी मैगरोना, स्टील और फेयरी टाइप, अगर डायमंड ज़्यादा है तो इसे ले सकते हो। ट्रेन करोगे तो बहुत ही पावरफुल बन सकता है। डेली लकी रिवॉर्ड एनी टॉप अप में मिल जाएगा, और ये भी स्पिनिंग डायमंड्स, ये भी बेकार सा इवेंट है, पूरा बेकार इवेंट है। 5 मिनट पे चेकआउट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली लॉग इन, अच्छा लॉग इन रिवॉर्ड अच्छा, ये बहुत ही अच्छा, ये अच्छा इवेंट है, हर बार आता है लॉग इन रिवॉर्ड। लेकिन और नहीं आता क्या, सिर्फ 5 दिन में 28 बार आता, बहुत अच्छा आता है। लेकिन चलो फ्री में दे रहा है तो सब कुछ अच्छा है।
बहुत अच्छा। 5 दिन पर, 5 दिन गेम को मत अगर खेलने का टाइम मिला, टाइम भी नहीं मिला तो एक बार फिर ओपन कर लेना, फिर बंद कर देना, तो उसको मिल जाएगा फ्री का रिवॉर्ड, मत छोड़ना। उस एक्सचेंज तो बेकार सा इवेंट हमेशा ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। पोकेमॉन पहले आता था, अब नहीं आ रहा, चलो हो गया। और देखो मेरा ये वाला ग्लिच है गेम में, अपडेट के बाद ये वाला ग्लिच। और हाँ, जो कुमार में जिसके बारे में बात कर रहा था, पोकेडेक्स में देख लेते हैं, ये रहा ग्रेनिंजा। इसको नॉर्मल पे देख लो, इसका स्पीशीज टेस्टियर देख लो, इसे नॉर्मल पे, जो नॉर्मल लेवल 1 का 1 स्टार, मतलब कोई स्टार भी नहीं है उसमें भी, ये बहुत ही पर स्पीड देख लो, कैसे 137 अटैक देख लो, 172 अटैक, मतलब ये बिना अपग्रेड के इतना पावरफुल है कि किसी थोड़ा सा टेंट करके तो बहुत परफेक्ट बन जाएगा। और अगर इसको 1 स्टार से 2 स्टार अगर कर लो, 2 स्टार अगर कर लो, तो ये तो पूरा बीस्ट बन जाएगा। इसका अटैक देख लो तो 200 और स्पीड 149, मतलब लगभग 150 मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बोल रहा हूँ इसको, हाल ही में रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको ले लो, इसको ले लो, इसको मत बिल्कुल भी मत छोड़ना। फ्री लगभग फ्री में ही दे रहा है, मुझे लगा था ये बहुत दिनों बाद देगा, 4 दिन पहले ही अपडेट आ गया। और अगर ले सकते हो तो प्लेयर ले लो, मे भी अगर ले लिया तो वीडियो बना दूंगा, बस इतना ही। अच्छा, सुप्रीम टोकन में कुछ है? अच्छा वो, अच्छा अच्छा ये मेरा गिफ्ट, हम तो गरीब हैं, हम टोकन नहीं ले सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।